हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आई एस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि हम लोगों की चर्चा चल रही थी यूनिट 6 के टॉपिक SDG गोल्स में MP की स्थिति क्या है, MP की प्रगति क्या है, MP का प्रोग्रेस क्या है, एक टॉपिक है हम लोग जो कि नया जोड़ा गया है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति या प्रोग्रेस ऑफ MP इन SDG गोल्स। और ये मैंने ये कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने बहुत सारे इकोनॉमी के जो डायमेंशंस हैं उनको उसने कवर करके रखा हुआ है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था SDG के बेसिक इन्फॉर्मेशंस को और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस MCQ हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी 17 गोल्स हैं SDG, उनमें MP की क्या रिपोर्ट्स हैं, MP ने कितनी प्रोग्रेस की है, कौन कौन सी स्कीम्स मैप्ड की गई। देखिए, तीन चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा, एक तो गोल्स हैं अपने पास SDG जिनको कहा गया है, दूसरा सरकार ने उनसे स्कीम्स को मैप कर दिया है। स्कीम्स मैपिंग का मतलब ये है कि उनको उससे जोड़ दिया गया है उन लक्ष्यों को पाने के लिए, और इसी के अंतर्गत कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, सूचक का, जिनके माध्यम से ये पता चलेगा कि मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में कितनी प्रोग्रेस हुई है या उसकी क्या स्थिति है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो है MP SDG रिपोर्ट। MP SDG रिपोर्ट 2023, इसको आप पढ़िए, ये अंग्रेजी माध्यम में ही है लेकिन इसमें सभी जानकारियां पर्याप्त रूप से दी गई हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आयोग भी सरकारी दस्तावेजों, खास तौर पे राज्य सरकार के दस्तावेजों को प्रेफरेंस देता है। तो बेसिकली हम लोग दो तीन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे 17 गोल्स को लेकर के। एक तो इस रिपोर्ट में कौन कौन सी स्कीम्स को ऐड किया गया है MP गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं MP के परफॉर्मेंस को लेकर के, मध्य प्रदेश राज्य के प्रदर्शन को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहली स्लाइड है, हम लोगों ने सबसे पहले बात की है कि इनका स्कोर क्या है। तो ध्यान रखिए, जो SDG इंडेक्स है या SDG रिपोर्ट है, एक नीति आयोग जारी करता है, उसमें सभी राज्यों को वो नंबरिंग देता है, स्कोर्स देता है। उस स्कोर के आधार पर उन राज्यों की स्थिति रैंकिंग दी जाती है। MP की रैंकिंग हम लोग जानते हैं कि MP जो है उसका कंपोजिट स्कोर जो है वो 62 है, लेकिन MP ने अलग अलग जो SDG गोल्स हैं उसमें उसकी क्या स्थिति है, कहाँ पे वो क्या प्रोग्रेस है। जो राज्य नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है वो भी नीति आयोग के द्वारा तैयार किए गए रिपोर्ट से ही डेटा लिया गया है, बस इसको क्या किया गया, अन्य विभागों के साथ जो डेटा है उसको समायोजित कर दिया गया है। तो यहाँ एक तो देखिए, तीन कलर्स का उपयोग किया गया, रेड, येलो और ग्रीन। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, 0 से 49 अगर है स्कोर तो इसका मतलब होगा कि वो राज्य जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बल्कि अपेक्षा करता है कि और बेहतर करेगा, यानी वो आकांक्षी राज्य कहलाएगा। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हम लोग एस्पिरेंट कैटेगरी, आकांक्षी। येलो का स्कोर होगा 49 to 64, अगर किसी राज्य को 49 से लेकर के 64 तक का स्कोर दिया गया नीति आयोग के द्वारा, तो उसे कहा जाएगा कि ये परफॉर्मिंग है और जिस गोल से संबंधित दिया जाएगा, यानी कि प्रदर्शन उसका ठीक है, प्रदर्शन ठीक है, उसको हम हिंदी में कहेंगे कि परफॉर्मिंग या प्रदर्शन ठीक है उसका। और जिनको 65 से लेकर के 100 तक का स्कोर मिलेगा, इसको 0 to 100 के स्केल पे रैंक स्कोर दिए जाते हैं, उसको ग्रीन से दर्शाया गया है और उसे कहा जाएगा फ्रंट रनर, फ्रंट रनर, यानी हिंदी में कहेंगे अग्रणी राज्य। यहाँ स्लाइड में देखिए, इन्हीं तीन कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला हमारा गोल है नो पावर्टी, इसमें नीति आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश को केवल 44 दिया गया आउट ऑफ 100 के स्केल पे, और इसीलिए ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, आकांक्षी, यानी ये एस्पिरेंट है।
एस्पिरेंट आकांक्षी राज्य व एमपी गोल वन के संबंध में, नो पावर्टी यानी गरीबी मिटाने के संदर्भ में, जीरो हंगर यहाँ पे भी स्कोर क्या है 43, तो यहाँ पे भी मध्य प्रदेश क्या है आकांक्षी राज्य है, यानी उम्मीद करता है कि बेहतर परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। थर्ड जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, इसमें मध्य प्रदेश को 62 का स्कोर मिला हुआ है और इसीलिए क्या कहलाएगा परफॉर्मिंग स्टेट। यहाँ पे, यहाँ पर मध्य प्रदेश जो है ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये थर्ड में परफॉर्मिंग स्टेट है। फोर्थ SDG है क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यहाँ पर भी MP को 45 का स्कोर मिला हुआ है, यानी कि 49 से कम है, 0 to 49 के बीच में है। इसका तात्पर्य यह है कि, और रेड कलर में इसको दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम क्या हैं एस्पिरेंट हैं, आकांक्षी हैं। फिफ्थ में जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता, यहाँ पर 55 स्कोर है MP का और इसीलिए इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पर परफॉर्मर है MP, अच्छा प्रदर्शक है क्योंकि स्कोर क्या है 49 से ज़्यादा है, 55 है। सिक्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, इसमें हमारा स्कोर 88 है, यानी MP का स्कोर 88 है आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर MP क्या है अग्रणी है, फ्रंट रनर है, फ्रंट रनर। फिर है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वहनी एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें भी MP का जो स्कोर है वो है 86, यहाँ पर भी हम फ्रंट रनर हैं या अग्रणी हैं 6 और 7 में। एट्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, यहाँ पर स्कोर हमारा है 60, यानी कि MP का स्कोर 60 है, तो यहाँ पर MP क्या है परफॉर्मर स्टेट है, परफॉर्मर स्टेट कहलाएगा, यानी प्रदर्शक है। अब आगे चलते हैं, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों ने 8 तक कवर कर लिया था, 9th उद्योग नवाचार एवं आधारभूत संरचना, यहाँ पे हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, 37 है केवल, और इसीलिए यहाँ पे मध्य प्रदेश क्या है एस्पिरेंट है, आकांक्षी राज्य है। फिर 10th गोल है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, असमानताओं में कमी, यहाँ पर MP का स्कोर है 51, यहाँ पे परफॉर्मर है MP, यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सस्टेनेबल गोल है 11वां, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर एवं समुदाय, यहाँ पर स्कोर बढ़िया है 81 है, यानी यहाँ पर हम फ्रंट रनर हैं। अगेन आप देखेंगे 12th में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग एवं उत्पादन, यहाँ पर भी MP का स्कोर 78 है, यानी यहाँ पर भी हम फ्रंट रनर हैं। क्लाइमेट एक्शन नेक्स्ट 13वें नंबर का जो गोल है, यहाँ पर MP का स्कोर है 49, रेड में है, इसीलिए ये क्या है हम यहाँ पे एस्पिरेंट हैं, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में मध्य प्रदेश जो है बेहतर परफॉर्म करेगा इसमें। लाइफ बिलो वाटर, इसको लेकर के कोई भी स्कोर नहीं दिया गया है क्योंकि MP जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्टेट है सॉरी, MP जो है भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ राज्य है, तो यहाँ पर ज़्यादा संभावनाएँ लाइफ बिलो वाटर की नहीं है। हालांकि फिशरीज को बढ़ावा दिया गया है, मत्स्य संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे आज ही। लाइफ ऑन लैंड, इसमें MP का स्कोर है 84, यानी यहाँ पे हम फ्रंट रनर हैं। अगेन 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, इसमें भी 66 है हम लोगों का स्कोर, तो यहाँ पर भी हम लोग फ्रंट रनर हैं। अगेन पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के लिए कोई स्कोरिंग नहीं दी गई है राज्य को, तो ये केवल 2 को छोड़ दिया जाए, इनमें स्कोरिंग नहीं दी गई है लाइफ बिलो वाटर को और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स,
इसमें एमपी को कोई भी स्कोरिंग नहीं दी गई है, अन्य सभी के स्कोर्स हम लोगों ने देख लिया। तो अगर ओवरऑल देखें तो आप देखेंगे कि 5, 6, 11, 12, 15 और 16 इनमें एमपी जो है फ्रंट रनर है। देख लेते हैं 6-7 इसको हम लोग 6-7 कर लेते हैं, 6-7, 6-7, 11-12, 15-16। ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि किन सतत गोल रक्षियों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो 6-7, 11-12, 15-16 देखिए कितनी अच्छी सीरीज है। 6 याद रखिएगा तो 6+1 7, फिर 11-12 और 15-16, ये तीन सेट बन जाते हैं। फिर परफॉर्मिंग स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि 3, 5, 8, 3, 5, 8, 10 में हम लोग परफॉर्मर हैं और बाकी जो बच गया है यानी कि 1, 2, 4, 9, 13 इसमें हम लोग क्या हैं, एस्पिरेंट हैं यानी आकांक्षी हैं। तो इस प्रकार से या तो जोड़ियां बनाने के लिए दे सकते हैं अगर डिफ़िकल्ट उनको पूछना है, या एकदम सिंपल जानकारी पूछनी है कि किन सतत लक्ष्यों में मध्य प्रदेश अग्रणी है, तो इस तरह का नंबर्स का सेट बना के ही दे देंगे, ठीक है, या नाम से भी वो पूछ सकते हैं। तो ये अपने को किसी भी तरह से याद रखना है। चलिए अब हम लोग डिटेल में इनको पढ़ लेते हैं, इन सभी के बारे में। पहला जो गोल है हम लोगों का नो पावर्टी, इसके लिए क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं एमपी के, अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो अचीवमेंट सबसे पहले जो लिखा गया है उसमें वो लिखा गया है टारगेट, देन मैपिंग स्कीम्स इंडिकेटर्स एंड देन अचीवमेंट्स। तो लास्ट वाला जो पेज है प्रत्येक गोल के लिए उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ अचीवमेंट्स। पहला नो पावर्टी के लिए हम लोगों ने गरीबी मिटाने के लिए आयुष्मान भारत योजना भारत में चल रही है। आप लोगों को पता होगा कि 4 पिलर्स पर डिपेंडेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आयुष्मान भारत के कितने पिलर या कितने स्तंभ हैं। तो इसके 4 पिलर हैं, ये केवल एक नहीं है। पहला अगर हम लोग देखें तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जा गए हैं विभिन्न जगहों पे, जहाँ पर कि उपचार किया जाएगा, प्राथमिक उपचार। दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसी योजना के अंतर्गत 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसको हम लोग जनरली आयुष्मान भारत स्कीम बोल देते हैं, जबकि आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 4 पिलर्स इंक्लूड हैं। तीसरा जो है वो है ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसके अंतर्गत सारे डेटा को डिजिटली इंटीग्रेट करने का उद्देश्य रखा गया है। और फोर्थ जो पिलर है वो है प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित किया जाएगा। तो ये 4 स्कीम्स मिल करके, 4 अभियान मिल करके आयुष्मान भारत का निर्माण करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी एक समान हितग्राही, आर्थिक हित रखने वाले लोग 10 या 10 से अधिक आपस में इकट्ठा होकर के अपनी पूंजी लगा करके एक ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं और कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, और वो बाद में इन्हें बैंकों के माध्यम से भी लोन मिलता है। भारत में मोर देन 43 लैक्स महिलाओं को मध्य प्रदेश में इसके थ्रू मोबिलाइज किया गया है, आर्थिक गतिविधियों में लगाया गया है। इसी के अंतर्गत हाउस होल्ड टू एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें तो 100% इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को अचीव कर लिया गया है। प्रतिभा किरण स्कीम चालू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रतिभावान छात्रों को इंसेंट वजीफा कहें या कहें इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है,
50.98 अराउंड 51% हाउस होल्ड्स को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा, अराउंड 51% या 50.98% घरों को सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। तो ये मेजर कुछ अचीवमेंट्स हैं इस क्षेत्र के। दूसरा जो हम लोगों का गोल है, दैट इज जीरो हंगर, भुखमरी को मिटाना। इसके अंतर्गत अगर अचीवमेंट की बात करें तो 7 times MP कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर चुका है वीट उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए। मिल्क प्रोडक्शन में MP की रैंक 3rd है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये बातें, UP, राजस्थान, देन MP। फूड ग्रेन्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने इसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। ODOP स्कीम्स लागू की गई है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। स्कीम के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो अभियान है या योजना है, ये किस योजना के अंतर्गत शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एंटरप्राइज स्कीम के अंतर्गत। इसका उल्लेख भी SDG रिपोर्ट के अंतर्गत ही किया गया है। इसको अलग से भी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ODOP के बारे में, तब डिटेल में चर्चा करेंगे कि जिस किस जिले में कौन सा जो प्रोडक्ट है वो उस जिले का ODOP घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देना उस पर्टिकुलर जिले में। कुछ डेटा जो हम लोग के काम आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जीरो हंगर को देखते हो, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एज्ड अंडर 5 years, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो अंडर वेट हैं, जिनका वजन कम है। अगर आप देखें NFHS 5 को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को, दो जो कि 2019 से 21 तक के डेटा को शामिल करता है, तो 33% बच्चे ऐसे थे 5 वर्ष से कम आयु के जो कि अंडर वेट थे। पहले जाएं और तो 42.8 थे, पहले 60 थे, यानी 2005-06 में 60% बच्चे अंडर वेट थे, यानी उनका वजन कम था। 2015-16 में 42.8% हुआ ये घट करके, देन 2019-21 में 33% बच्चे बचे हुए हैं जो कि अंडर वेट हैं, और लक्ष्य है राज्य का 2030 तक इसको 20% पर लाने का। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2030 तक 5 years तक के बच्चों जिन जो कि अंडर वेट हैं, क्या लक्ष्य है उनके लिए। तो उनका लक्ष्य है 20% करने का, तो इसे हम अचीवमेंट मान सकते हैं। देखेंगे ग्राफ लगातार जो है वो डाउन हो रहा है अंडरवेट बच्चों का। कुछ और आंकड़े इसी तरह के जीरो हंगर से संबंधित हैं, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5 years हु आर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब ऐसे बच्चे जिनकी जो लंबाई है उनकी आयु से के अनुसार नहीं है, कम है, यानी बौना पर हम कह सकते हैं। स्टंटेड बच्चों का मतलब होता है लंबाई उम्र के अनुरूप न होना, या जितना होना चाहिए उससे कम होना। बोलचाल की भाषा में हम उसको बौनापन कह सकते हैं। तो ये बच्चे जो हैं उनकी संख्या क्या है, उनका परसेंटेज क्या है। 2005-06 जब NFHS 3 हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तब ये बच्चे 50% था ये संख्या, तब ये संख्या 50% थी, घटकर 4 में ये 42 हुई, देन 35.7% हुई 2019-20 में। और 2030 के लिए जो टारगेट है वो रखा गया है कि 22% इसको कम कर किया जाएगा। तो ये आपके लिए दोनों डेटा इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार क्या है, 35.7% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टंटेड हैं, बौने हैं, और लक्ष्य रखा गया है कि इसको कम करके 22% तक लाया जाएगा 2030 तक। इसी तरह का एक डेटा और है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5
हु आर वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब है जिनका भार उनके आयु से कम है, यानी उनका वजन कम है, आयु के अनुपात में भार कम होना, ये भी कुपोषण का एक प्रकार है। तो अगर देखें 2005-06 में जब NFHS 3 हुआ था तब 35% बच्चे थे जिनका जो वजन था उनके एज के अनुरूप नहीं था। फिर ये घटकर हो गया 25.8% NFHS 4 में, देन NFHS 5 में ये हो गया घट करके 19%, और 2030 तक इसका टारगेट रखा गया कितना, 10% का। तो ये दोनों आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं। NFHS 5 के अनुसार अंडर 5 जिनकी उम्र है बच्चों की, उनकी जो प्रतिशत है 19% बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडर वेट हैं, और इसको लक्ष्य को रखा गया है कि 10% ऐसे बच्चों को लेकर करना है, यानी ये घटाना है उनको 19 से 10 लेकर के आना है। चलिए नेक्स्ट उस पर देखते हैं। अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट है, परसेंटेज ऑफ वुमेन हुज बॉडी मास इंडेक्स BMI। आप लोग जानते होंगे BMI का मतलब होता है, एक सिंपल फार्मूला है जिसे मॉडर्न टाइम में नाप मेज़र किया जाता है, एक इंडिकेटर है कि आप हेल्दी हैं या नहीं है, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट जो है सही है या नहीं। इसका फॉर्मूला है वेट यानी कि वजन आपका डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर है ना, इंच में जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अगर पाउंड में जाएंगे तो वेट चेंज हो जाएगा। अगर ये 18.5 से कम है तो इसका मतलब ये है कि ये कुपोषण है, ये एक तरह का ठीक सिग्नल नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। नॉर्मल होना चाहिए 18.5 से लेके 24.8 तक या 25 तक मान लीजिए, 25 से फिर ऊपर जो होता है वो अधिक मोटापा को बताने लगता है। और अगर 18.5 से BMI कम है तो इसका मतलब है कि आपका जो वेट है वो कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है। फिर एक डेटा और है, परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज बिटवीन 15 to 49 ईयर्स हु आर एनेमिक, जो कि एनीमिया से ग्रस्त हैं, NFHS 3 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 में 57.9% महिलाएं जो थी वो एनेमिक थी या वो एनीमिया से ग्रस्त थी। NFHS 4 में 56.4 हुआ ये घटकर आंकड़ा, फिर जब 5 हुआ 2019-21 में तो ये आंकड़ा है 52.9% का, लेकिन इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया 28% इसको लेकर के आने का। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि महिला स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है, ये ना केवल प्रीलिम्स में है बल्कि मेंस के टॉपिक्स भी हैं, तो ये डेटा आपको हेल्प करेगा मेंस के आंसर्स को लिखने के लिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड जो हम लोगों का SDG है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की 2007 में, इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और सेक्स रेशियो को बढ़ाना, इसके अंतर्गत इंसेंटिव दिया जाता है। लाडली बहना योजना अभी हाल ही में स्टार्ट हुई है, 1,000 रुपया पर मंथ महिलाओं को दिया जाता है। ANC सर्विसेज को मजबूत किया गया है, ANC सर्विसेज का मतलब है एंटी नेटल केयरिंग सर्विसेज, हिंदी में इसको कहते हैं प्रसव पूर्व सेवाएं या देखभाल, इनको मजबूत किया गया है। भारत सरकार ने अनमोल ऐप जारी किया था इसके लिए, उसका उद्देश्य था कि ऐसी महिलाओं को ट्रैक करना जिनके प्रेगनेंसी हाई रिस्क है। ठीक उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके मध्य प्रदेश सरकार ने MP अनमोल ऐप बनाया है, और इसका भी उद्देश्य क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना और उनको आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना। फिर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए हैं,
अगेन ये किसका पार्ट है, आयुष्मान भारत का। बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जो दो तीन जगह इन्वॉल्व मिलेंगी आप लोगों को। एक और खास बात की गई है, चाइल्ड बजट। चाइल्ड बजट मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने चाइल्ड बजट शुरू किया, अर्थात बजट में बच्चों के हित के लिए स्पेशल प्रावधान करना। पूरी तरह से वो योजनाएं जो होंगी उन्हीं को डेडिकेटेड होंगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि दो तरह से होता है, एक 100% डेडिकेटेड होते हैं प्रोग्राम्स, और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ परसेंट जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, और इसको 2022-23 में इसेंशियल पार्ट के रूप में शुरू किया गया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाइल्ड बजट कब से स्टार्ट किया गया। SRS रिपोर्ट के अनुसार, SRS का मतलब है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, 2015-17 में MMR वैल्यू, MMR यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मातृत्व मृत्यु दर। MMR का मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसको हिंदी में बोलते हैं मातृत्व मृत्यु दर। प्रति 1,00,000 जन्म पर जितने महिलाओं की मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद, वह संख्या कहलाती है MMR। इसके आंकड़ों पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे MMR क्या था, 2015-17 में 188 था, 2018-19 की रिपोर्ट में ये घटकर 173 हो गया, 173 हो गया 1,00,000 जन्म पे। ध्यान रखिएगा 1,00,000 में से 173 जो था महिलाओं की मृत्यु हो गई। 2024 के लिए इसको 110 रखा गया है टारगेट राज्य सरकार के द्वारा। तो ये भी पूछा जा सकता है 1,00,000 जन्म पर जितने महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, यानी 1,00,000 बच्चों को जन्म देने पर जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है वो क्या कहलाएगा, MMR कहलाता है। ध्यान रखिएगा चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो होती है वो 1,000 बर्थ्स पे होती है, लेकिन MMR जो होता है वो 1,00,000 बर्थ्स पे होता है। फोर्थ हमारा जो गोल है वो है क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने CM राइज स्कूल शुरू किए हैं, एक्सीलेंस स्कूल शुरू किए हैं, मॉडल स्कूल शुरू किए हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू किया गया स्पेशली SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और BPL फैमिलीज़ के बच्चियों के लिए। वन कैंपस वन स्कूल शुरू किया गया है, मेधावी छात्र संवर्धन स्कीम चालू की गई है, हायर एजुकेशन में सपोर्ट किया जा रहा है और कंप्यूटर और मैनेजमेंट सिखाया जा रहा है। इससे संबंधित कुछ आंकड़े जो इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियोस इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो मध्य प्रदेश का है वो 80% का टारगेट है 2030 तक हासिल करने का, और वर्तमान में 2019 शायद ये आपको विजिबल ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ 52.5% है। इसका तात्पर्य यह है कि 52.5% जो है वो इनरोलमेंट होता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, बाकी बच्चे जो होते हैं वो 47.5% जो बच्चे हैं वो छोड़ देते हैं, पढ़ाई आगे नहीं करते हैं। तो 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास अभी जो बच्चे हैं 52.5% ये इनरोलमेंट करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यानी 11वीं 12वीं में। इसको टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इसको हम लोग 80% कर लेंगे, कि 80% जो बच्चे हों 10वीं के बाद वो 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए इनरोलमेंट करें। तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। अभी क्या है 52.5% एज पर द STG रिपोर्ट 2023, और टारगेट रखा गया 30 तक 80% करने का। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट वुमेन ऑफ मध्य प्रदेश। NFHS 3 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के अनुसार जो 2005-06 में हुआ था ये परसेंट था 44.4%, यानी महिला साक्षरता दर थी 44.4%। ये NFHS 5 में बढ़ करके हो गई है 65.4%। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अपने को याद होना चाहिए। 2019-21 के डेटा के अनुसार महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 65.4% है। जेंडर इक्वलिटी
कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगेन जेंडर बजट इंट्रोड्यूस किया गया है। जेंडर बजट पहले भी अगर हम जिस तरह चाइल्ड बजट होता है उसी तरह जेंडर बजट, जिसमें कि विशेष तौर पे महिलाओं के लिए जो है प्रावधान किए जाते हैं, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किसमें मनरेगा में प्रावधान किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, और महिलाओं की गवर्नेंस या शासन में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इससे संबंधित कुछ आंकड़े हम लोगों को पास हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि सेक्स रेशियो हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है, 927 था 2015 और 16 में जब NFHS 4 हुआ था, लेकिन जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ तो ये बढ़ करके कितना हो गया, 956 एट बर्थ, जन्म के समय मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 956 है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगला जो हम लोगों का जो SDG है दैट इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। देखिए अटल भूजल योजना लागू की जा रही है मध्य प्रदेश में भी, ये केंद्र सरकार की एक योजना है। इसको 2020-21 में विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसके सहयोग से शुरू की गई है, विश्व बैंक के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है जलीय निकायों को या वाटर बॉडीज़ को पुनर्जीवित करना, उनकी स्थिति में सुधार करना, जिससे कि कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में सिंचाई उपलब्ध हो सके। और इसके लिए टोटल जो खर्च है वो लगभग 6,000 करोड़ का रखा है, जिसमें से 3,000 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक दे रहा है। कौन देगा, वर्ल्ड बैंक, और 3,000 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार दे रही है। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। 6,000 करोड़ की इस परियोजना में फाइनेंस करने वाले दो पार्टीज हैं, एक वर्ल्ड बैंक है 3,000 करोड़ रुपए और 3,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जलीय बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि तालाब हैं, नदियाँ, उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनमें पानी की मात्रा बनी रहे, जिससे वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बनाए गए हैं, स्टेट रैंकिंग, अटल भूजल योजना में जो राज्य की रैंकिंग है वो सेकंड है, ठीक है। ग्राउंड वाटर विदड्रॉल अगेंस्ट अवेलेबिलिटी, जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश के अचीवमेंट्स हैं। इससे संबंधित कुछ आंकड़े भी हम लोगों के पास हैं, देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट अचीविंग ओपन डिफेक्शन फ्री, सैनिटेशन से रिलेटेड है ये ODF, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है केंद्र सरकार की। ओपन डिफेक्शन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्ति, 2020 में 95% जो था वो ODF फ्री थे जिले, लेकिन 2020 में कितने थे, 95% जिले ODF थे, ओपन डिफेक्शन फ्री थे, यानी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाता था शौच के लिए, लेकिन 2022 में ये 100% हो गया, यानी मध्य प्रदेश ने 100% ODF हासिल कर लिया है। यानी मध्य प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे लोग खुले में शौच के लिए जाते हों, यानी सभी के पास टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वहनी एवं स्वच्छ ऊर्जा। इसमें अचीवमेंट्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में देखें तो जितनी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 36.86% जो है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, स्थापित क्षमता का, जो कि जो नेशनल टारगेट है वह 40% का, लगभग हम नेशनल टारगेट के बहुत करीब हैं। इसके अंतर्गत सोलर पार्क स्कीम्स स्थापित किए गए हैं 1,000 मेगावाट के, इसके बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। इसमें 750 मेगावाट का रीवा में है, 250 मेगावाट मंदसौर, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क,
ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। ये क्या है? अंडर डेवलपमेंट है, मतलब इसका निर्माण चल रहा है अभी। सांची को सोलर सिटी के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, यानी यहाँ पर सभी चीज़ें जो होंगी वो सोलर से होंगी। एलईडी बल्ब्स सोलर वोल्टेक सेल के द्वारा जलाए जा चलेंगे, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है कि इसका जितना भी ऊर्जा की जो खपत होती है वो पूरी की पूरी सौर ऊर्जा से की जाए। मध्य प्रदेश उन कुछ चुनिंदा राज्यों में हैं जो पावर सरप्लस हैं। ध्यान रखिए, स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं कि क्या MP एक पावर सरप्लस स्टेट है, तो हाँ ये है। MP उन चुनिंदा राज्यों में है जो कि पावर सरप्लस है, जहाँ पे पावर अधिक है। अगर टोटल फाइनल एनर्जी मिक्स की बात करें तो 2020 में जो हम लोगों का था रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर था, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो हिस्सेदारी थी, वो लगभग 10.89% थी। 2022 में ये हो गई है 10.20%। ये कुल एनर्जी उत्पादन की बात कर रहे हैं हम लोग। 2030 तक इसका हासिल किया जाना है 40%। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। अगला जो गोल है दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंतर्गत MSME को प्रमोट किया जा रहा है, नए नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है, वेजेस कोशिश की जा रही है कि मेल और फीमेल दोनों की बराबरी हो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा है ये वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, है ना। द पार्टिसिपेशन रेशियो हैज़ बीन रिकॉर्डेड 44%, कितना 44% इन द ईयर 2020, विच इज़ टारगेटेड टू बी रेज टू 45% इन 2024 एंड 46% बाय द ईयर 2030। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब है महिला पुरुष का जो सहभागिता अनुपात है, यानी 44% था 2020 में, 2024 के लिए टारगेट रखा गया है कि 45% हो और 2030 तक 46% हो जाए वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। नंबर ऑफ MSME यूनिट्स रजिस्टर्ड अंडर द ऑनलाइन उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, ये भी डेटा सरकार के पास है, आप इसको देख सकते हैं। 20 में टारगेट रखा गया था 2.5 लाख का, लेकिन अचीव किया 2.8 लाख। 2021 में 1.8 लाख, 2022 में 2.4 लाख, और टारगेट रखा गया है कि 2030 तक 12 लाख MSMEs को स्थापित कर दिया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 2.4 लाख और 12 लाख। नाइन्थ जो हम लोगों का सतत विकास गोल है वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना। हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में प्रमोट किया जा रहा है, है ना। पेटेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। GI टैग, जैसे कि पिछले 5 सालों में 3 GI टैग हम लोगों को मिले हैं, है ना। चिनौर चावल बालाघाट का, कड़कनाथ मुर्गे के लिए, और एक पान है महोबा का, देशवारी पान, उसके बाद UP के साथ जॉइंटली हम लोगों को दिया गया है। द लेंथ ऑफ, अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है आप लोगों के लिए, रेलवे ट्रैक इन द स्टेट इज 5150 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 5150 किलोमीटर, ये रेलवे ट्रैक है जो कि पूरे देश में 5th लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे का। कभी कभी इस तरह का डेटा पूछा जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा 5वां जो रेलवे का नेटवर्क है वो है मध्य प्रदेश का, 5150 किलोमीटर का। मध्य प्रदेश में का जो टोटल हाईवेज है वो पूरे कंट्री का 6.6% है, यानी पूरी भारत में जितने हाईवेज का 6.6% के कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। टोटल रोड 4,10,000 किलोमीटर एज पर द डेटा ऑफ 2021-22, है ना। 4,10,000 किलोमीटर का रोड है मध्य प्रदेश में।
एमपी हैज सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये इंडेक्स कौन बनाता है? नीति आयोग। इन द लैंड लॉक्ड स्टेट्स, ध्यान रखिएगा, इन द लैंड लॉक्ड स्टेट्स में, कोस्टल स्टेट्स में नहीं। एमपी ने 8.4% का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हासिल किया 17 से 22 के बीच में। 2017 से 22 के 5 साल का जो समय था, इसमें मध्य प्रदेश ने औसत वार्षिक जो ग्रोथ रेट थी वो 8.4% थी। ये एक भी एक इम्पोर्टेंट डेटा है। चलिए नेक्स्ट हम लोगों का जो एसडीजी है दैट इज, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरू में हम लोग देखा था कि ये इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस हम लोगों का, 37 हम लोगों का स्कोर है, यानी कि एमपी का। अचीवमेंट्स, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, असमानता में कमी लाने का प्रयास करना। हम लोग जानते हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे कि एससी एसटी, ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, ये पिछड़े हुए हैं, तो इन्हीं के लिए कुछ योजनाएं चालू की। देवरण्य योजना, इसके अंतर्गत मेडिसिनल प्लांट्स को प्रमोट किया जा रहा है आदिवासी एवं जनजातीय क्षेत्रों में, ताकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ाई जा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप को मजबूत किया जा रहा है ना, ट्राइबल्स को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस को शुरू किया जाए जिसके द्वारा कि इनइक्वलिटीज को कम किया जा सके। और एक और योजना स्टार्ट की गई, निश्चित निष्ठा विद्युत, इसको हिंदी में लिखेंगे निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये बिजली विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। इसके द्वारा महिलाओं को बिजली से संबंधित जो रेवेन्यू कलेक्शंस होता है उसको वसूलने, उससे संबंधित न्यू कनेक्शंस जारी करने और शिकायतों को लेने यानी कि स्वीकार करने का काम उनको सौंपा गया, और इसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो एक तरह से ये भी महिला सशक्तिकरण के लिए, इसका भी उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण। ध्यान रखिएगा, बिजली बिल, नए कनेक्शंस, ये कौन करेगा? निष्ठा विद्युत मित्र योजना की तरह महिलाओं को लगाया गया इस काम के लिए, को एप्लीकेशन फॉर्म्स ले सकते हैं, नए बिजली बिल का कलेक्शंस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और पूछी जा सकती है, जनरली न्यूज़ में नहीं आती लेकिन इसका उल्लेख है एसडीजी रिपोर्ट में। परसेंटेज ऑफ सीट्स हेल्ड बाई वुमेन इन पंचायती राज, ये जनरली आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 50% वुमेन रिजर्वेशन है इन लोकल बॉडीज़। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़, सतत शहर एवं समुदाय। इसके लिए हाउसिंग के लिए एलोकेशन किया गया है, पीएम आवास योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सस्टेनेबल इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, क्लीनेस्ट स्टेट है, स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया है। एमपी में 7 सिटीज़ हम लोग जानते हैं स्मार्ट सिटीज़ हैं। कुछ ऐसा डेटा जो हो सकता है कि पूछा जा सकता है, अर्बन लोकल बॉडीज़, जो टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं 2022-23 में कितनी है? 413। 2003-04 में कितनी थी? 337। यानी कि ये क्या दर्शाता है? ग्रोथ दिखाता है ना? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन द स्टेट इंडिकेटिंग द प्रोग्रेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन द स्टेट। ये इस बात का संकेतक है कि शहरी क्षेत्रों में सेवाओं में और आधारभूत सुविधा में वृद्धि हुई है। एक और डेटा हमारे पास, परसेंटेज ऑफ स्लम्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हाउस होल्ड्स कवर्ड थ्रू फॉर्मर अफोर्डेबल हाउसिंग। स्लम, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग जिनको कि किसी न किसी योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, ऐसे लोगों की जो हाउस होल्ड्स की जो संख्या है, घरों की जो संख्या प्रतिशत है 2022 तक कितनी है? 97%।
यानी 97% झुग्गी झोपड़ियों को खत्म करके उसकी जगह उन्हें एक घर उपलब्ध करवा दिया गया है, आवास उपलब्ध करा दिया गया विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, और टारगेट रखा गया 100% का 2030 तक। 12th, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जिम्मेदाराना उपभोग एवं उत्पादन। इसके अंतर्गत देखिए GI टैग स्थानीय प्रोडक्ट्स को, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, इसके अंतर्गत फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जाता है। रबी और खरीफ प्रोक्योरमेंट है, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन योजना है, और कंस्ट्रक्टिंग रोड यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट के माध्यम से रोड का निर्माण किया जा रहा है। कुछ डेटा जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पहले देखिए मध्य प्रदेश जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स है, ये एक इम्पोर्टेंट है। कौन थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, और पूरे राष्ट्रीय उत्पादन का 10%, कितने 10%, पूरे भारत में जितना खाद्यान्न उत्पन्न होता है उसका 10% जो होता है वो मध्य प्रदेश के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये एक उपलब्धि है और ये पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दलहन की, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, MP जो है दालों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तुअर ग्राम और उड़द, तुअर चना और उड़द इनके उत्पादन में 32%, पूरे राष्ट्रीय उत्पाद का 32% जो है उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स भी है, तिलहन, तिलहन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश जो है सबसे अग्रणी राज्य है। 22%, कितना 22%, पूरे देश जितना उत्पादन करता है उसका 22% मध्य प्रदेश अकेले करता है। तो ये आंकड़ा एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों को याद रखना चाहिए, 22% ऑफ द टोटल नेशनल प्रोड्यूस ऑफ ऑयल सीड्स इज डन बाय मध्य प्रदेश। चलिए 13वें नंबर का जो सतत विकास लक्ष्य है वो है क्लाइमेट एक्शन या जलवायु कार्यवाही। इसके अंतर्गत सौर रिन्यूएबल एनर्जीज को बढ़ावा देने के लिए अगेन रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, अपने इंस्टॉल्ड किया गया है, मेगा 750 मेगावाट का सोलर पार्क प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत और भी शहरों में सोलर केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि आगर में 550 मेगावाट, शाहजहाँपुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट, टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1500 मेगावाट। सोलर एनर्जी के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा ओमकारेश्वर का फ्लोटिंग सोलर पावर पार्क 600 मेगावाट का, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सबका पॉजिटिव स्कोर किस पे पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पे पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे हम लोग कोयले से बिजली बनाना कम करते जा रहे हैं तो कार्बन एमिशन कम होता चला जाएगा। अगला लाइफ बिलो वाटर, मैंने कहा था इसमें MP को कोई स्कोर नहीं दिया गया नीति आयोग के द्वारा, लेकिन यहाँ पे फिश सीड प्रोडक्शन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है ना, मत्स्य उत्पादन के लिए मछली विभाग के द्वारा जो है मछलियों के बीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन उत्पाद जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। लाइफ ऑन लैंड, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे मध्य प्रदेश ने अच्छा काम अचीवमेंट किए हैं, उपलब्धियाँ हैं। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हमारे पास है, 11% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर MP में है।
मैक्सिमम अकरेंस ऑफ प्योर बम्बू शुद्ध बांस का थर्ड लार्जेस्ट ट्री कवर इन द कंट्री है टाइगर स्टेट 785 बाघ है हमारे पास। फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमारा स्ट्रांग है, इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी स्ट्रांग है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे पास, 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। बाघों की संख्या हो गई है मध्य प्रदेश में। 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस, गुड गवर्नेंस में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है। जनसेवा प्रोजेक्ट, हम लोग जानते हैं कि जनसेवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुछ जरूरी सुविधाओं को लोक सेवा केंद्र ओपन किए गए हैं, उनको आप निश्चित समय सीमा में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि 181 चीफ मिनिस्टर सर्विस, सीएम सहायता नंबर है ये, सीएम हेल्पलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, डायल 100 सुविधा है, समाधान एक दिन तत्काल योजना है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग जो भारत सरकार का है वो गुड गवर्नेंस सूचकांक जारी करता है। और 2020-21 के सूचकांक में मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट, पहले स्थान पर था ग्रुप बी स्टेट्स। यहाँ ग्रुप बी स्टेट्स का मतलब है लैंड लॉक्ड स्टेट्स, लॉक्ड स्टेट्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। कुछ और डेटा, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड अंडर आधार, ये पॉपुलेशन है, तक 97% लोग जो है वो आधार उनका बन चुका है, वो आधार नंबर उनका है। और 2030 तक का लक्ष्य है कि 100% इसे प्राप्त कर लिया जाएगा, यानी 100% लोगों के पास आधार कार्ड होगा। परसेंटेज ऑफ बर्थ रजिस्टर्ड, यानी कितने लोगों का जन्म रजिस्टर्ड होता है, तो 2022 तक 100% लोग जो हैं, 21 में भी 100% थे, यानी मध्य प्रदेश में 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है या हुआ है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग टॉप 5 में रहे हैं, MP is in top 5. तो ये 17 के 17 गोल्स में मध्य प्रदेश की स्थिति है। कुछ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें डेटा होगा ही होगा, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो डेटा याद रहेगा। कुछ खास तौर पे जो योजनाएं हैं वो भी आप यहीं पे पढ़ सकते हैं, उनको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि योजनाएं भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये हो गया हम लोगों का एक कंप्लीट टॉपिक जो था वो पूरा होता है आज। इससे मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, है ना। एक इंडिया के बारे में भी आपको बता दूं, मुझे याद आ गया, इंडिया की जो रैंक है जो कि UNDP और ऑक्सफोर्ड पावर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है SDG इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक 112 है, हम लोग जानते हैं 166 देशों में, है ना। इसका स्कोर 63 पॉइंट समथिंग है, स्कोर इन्होंने 63.45 है इंडिया का। इंडिया का स्पिल ओवर स्कोर ये भी कभी हो सकता है पूछा जाए, या स्पिल ओवर स्कोर होता क्या जान लीजिए। आप देखेंगे जब डैशबोर्ड देखेंगे तो वहाँ पर स्पिल ओवर स्कोर लिखा हुआ है। स्पिल ओवर स्कोर का मतलब है कि किसी देश या राज्य के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसका कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है बाकी अन्य देशों पे, या कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर स्कोर ज़्यादा है स्पिल ओवर तो सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और अगर स्पिल ओवर स्कोर कम है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या कम सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत का स्पिल ओवर स्कोर बहुत अच्छा है,
98.4 है ये, यानी बहुत अच्छा। भारत ने जो भी कदम उठाए हैं सतत विकास लक्ष्यों के लिए वो बहुत ही सकारात्मक है। ठीक, तो हो सकता है ये भी कभी आपको ध्यान रखिए जानकारी के लिए, ये उसके डैशबोर्ड पे दिखेगा, तो अगर क्यूरियोसिटी है तो आप इस समझ लीजिए कि ये स्कोर बता रहा है कि ये इंडिया का बहुत अच्छा है। इस सेशन में इतना ही, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स को, क्योंकि यूनिट 6 से मैक्सिमम देखिए क्वेश्चंस कितने आएंगे, 8 या 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो एमपी के इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की इकोनॉमी भी है, एमपी के ही और टॉपिक्स हैं जैसे कि ODOP, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उनमें भी कहीं ना कहीं इनसे कुछ चीज़ें हमको लाभ हम लोगों को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक्स जो हैं यूनिट 6 के हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस पर MCQ लेकर के मैं आऊँ, MCQ आपसे डिस्कस करूँ और लाइव लेकर के आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर हम लाइव MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लाइव MCQ आपके साथ डिस्कस करेंगे और शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए हम चाहते हैं कि आप पहले कमेंट से करके हमें बताएं कि यू आर इंटरेस्टेड इन लाइव आंसर्स, लाइव MCQ डिस्कशंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।